हम तो सर लालटेन छापने देंगे जैसे होगा वैसे। नेता लोग तो अदल बदल कर रहे थे, हम लोग अदल बदल नहीं कर सकते हैं। हमारे लालटेन है था। हम लोग लालटेन में देंगे, लालटेन में दीजिएगा। हाँ? कहीं बाजार में देखिए तो लालू यादव है, कहीं देखिए तो लालू यादव है। वोट दे रहे हैं एनडीए के तो अपना बेटा का गला काट के वोट दे रहे हैं। है कि माझी समाज के यहाँ के लोग रहते हैं, तो चलिए हम लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि वोट किधर जाएगा, कौन जीत रहा है। मांझी समाज से तो जीत रहा मांझी भी है, तो चलिए बातचीत कर लेते हैं। बिहार में बोलबाला है समझे कि तेजस्वी का, और हम लोग बोलबाला देखेंगे। जैसे अभी घोषणा पत्र जो मुख्य प्रधानमंत्री निकाले हैं तो महिलाओं बुजुर्ग के लिए कुछ नहीं निकाले, उसमें 1000 प्रति पेंशन महीना निकालते कि हाँ हम जीतेंगे तो गरीबों का समझे कि पेंशन लागू करेंगे 1000 महीना, तो 400 रुपया जो पेंशन मिलता है उससे गरीब को क्या समझे कि उससे नून का भी कीमत मनो नहीं देते। मतलब कि आरजेडी की तरफ से जो योजना निकाला अब उससे खुश नहीं है? आरजेडी नहीं, जो ये निकाला है समय एनडीए वाला। एनडीए? अच्छा, एनडीए की योजना से आप खुश नहीं है? न। अच्छा, आरजेडी की योजना से खुश है कि नहीं? हाँ, आरजेडी से है कि नौकरी देंगे। और लेकिन चाचा मांझी जी तो बीजेपी में है, फिर आप आरजेडी का गुणगान कैसे गा रहे हैं? इसलिए कि गुणगान गा रहे हैं कि आरजेडी का समझे कि सोच गरीबों पर है, और भाजपा वाला के सोच है समय ऊंच सोच है। तो आप मांझी जी है तो मांझी जी को वोट दीजिएगा कि नहीं? मांझी के तो वोट हम लोग करते, बाकी अभी है कि इसमें मांझी को वोट देने के बाद में तो चला जाएगा समझे कि एनडीए का, एनडीए में। हाँ, इसीलिए वोट नहीं दीजिएगा? हाँ। मतलब मांझी जी अगर एनडीए के साथ नहीं रहते तो आप वोट देते? हाँ। लेकिन वो एनडीए के साथ, इसीलिए आप मांझी जी को वोट नहीं दीजिएगा? हाँ। आप उनके मतलब उन्हीं के समाज के फिर भी आप वोट नहीं दे रहे हैं? हाँ, वो गरीबों के लिए कुछ नहीं निकाला घोषणा पत्र में समझे कि तमाम पेंशन धारियों का जो समय 1000 कर देता तो हम लोग खुश रहते कि चलो भाई गरीब को 1000 रुपया प्रति महीना मिलेगा। हमारे महिलाओं का जो यहाँ बूढ़ बुजुर्ग है, विधवा है, तो पेंशन पर आश्रित है, तो 1000 रुपया यदि प्रति माह मिलता तो उसका घर का स्थिति सुधरता। कौन जीतेगा, क्या लग रहा है? जब जीते सब पैसा देते हमने के बुढ़िया के जकरा देवे। मोदी जी तो देते ही है पैसा। हाँ, तो देवे उनके। दीजिएगा उनको। हाँ, देते हैं मोदी जी पैसा? देवे कह रहे थे कि ना कैसे दे थे। दीजिएगा लालटेन में। लालटेन में क्या नाम है आपका? रिंकू देवी। और आपके हस्बैंड का? कमलेश यादव। यादव जी। हाँ, लालटेन को वोट दीजिएगा। हाँ। मांझी जी को नहीं दीजिएगा? नहीं। क्यों? हमारे लालटेन हाइया है था। काम किया है आपके लिए लालटेन? करकाथी ने ना बाकी रे कम ना करकाथी ने कि हमने का गाली नली ना बनल थी। काम किए हैं? आओ सब काम ठीक हो। भरोसा है लालटेन जी पे? लालटेन तो भरोसा नहीं था इसी लालटेन कह दिया है। कौन जीत रहा है बताइए यहाँ से? यहाँ से सरजीत जी कौन जीतेंगे? लालटेन जीतेगा? कौन जीतेगा? लालटेन ही जीतेगा। लालटेन हम जीतन मांझी के देंगे। जीतन मांझी जी के? वो जीत रहे हैं यहाँ से? जीतेगा चल, नहीं जीते बाकी देंगे ऊपरे। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कैसा माहौल है, किसका माहौल है, कौन जीतेगा? माहौल रहे चल ना तरह बाकी देंगे उसका ही। हाँ। लालू जी के? लालू जी को? जी सर। लालू जी कुछ किए हैं आपके लिए? किए हैं मेरे भाई, आप कुछ नहीं किए हैं। खाना कुछ है? मोदी जी कुछ किए हैं? ना नहीं, नहीं किए। किधर वोट दीजिएगा? हम लोग लालटेन में देंगे। लालटेन में दीजिएगा? हाँ। मांझी जी? मांझी जी एनडीए के साथ है तो एनडीए के तो हम लोग वोट करेंगे नहीं। क्यों? एनडीए के साथ तो वोट नहीं करेंगे, मोदी जी के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है। मांझी जी का इतना ही पता रहता तो हम लोग के संविधान में छेड़छाड़ किया जा रहा है। हम लोग 85 है, हम लोग का अच्छा तरीका से आरक्षण नहीं मिल रहा है। 15% आरक्षण मिल गया है और हम लोग का आरक्षण में कटौती किया जा रहा है, इसलिए हम लोग एनडीए का वोट नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवल कुमार दास हुआ। दास जी है? बिल्कुल। तो दास जी नहीं देंगे मोदी जी को वोट? नहीं देंगे, मांझी भी नहीं देंगे, दास जी का मांझी भी नहीं देंगे। एससी आपको नहीं? मांझी जी तो दे ही रहे हैं, कितने बहुत सारे मांझी जी नहीं दे रहे, लेकिन बहुत सारे मांझी जी बोल रहे कि हम जात के नाम पे वोट देंगे। तो वोट देंगे तो अपना बेटा के गला काट के वोट देंगे, सोच लें एक बार कि हम बेटा अगर वोट दे रहे हैं एनडीए के तो अपना बेटा का गला काट के वोट दे रहे हैं। तो आप नहीं चाहते हैं कि 400 पार हो? नहीं, हम चाहते हैं 400। 400 तो पते चल जाएगा ना, सरकार बने दीजिए ना। तो मोदी जी तो गारंटी दे रहे 400 पार होगा। मोदी जी गया में भी आएगी भाजपा सरकार। अच्छा एक बात बताते हैं, मोदी जी तो एक बार आओ बोले थे 15-15 लाख रुपया, वो भी तो गारंटी लिए थे ना।
कहाँ गारंटी पूरा की है? काला धन आ गया क्या? नहीं आया। पाँच साल में चार साल नौकरी क्या होता है? 18 साल बेटा को पैदा करने में, जवान करने में होता है, और उस कम से कम नहीं नहीं तकरीबन गरीब आदमी 10 लाख रुपया तो खर्चा करता होगा पढ़ाने में, और 4 साल का नौकरी मिलता है। अच्छा ये बताइए, गया में आप लोगों को क्या क्या चाहिए? देखिए गया में जितना भी एमपी रहे, एनडीए के रहे, 10 साल हरि मांझी रहे, और 5 साल हमारा याद में 5 साल विजय मांझी रहे। बाकी एक भी गांव में देख लीजिए कि मांझी जी का एक आध गो फैंड है, यहाँ एनडीए का एक आध गो फैंड है, देख लीजिए हम लोग का नजर से एक भी फैंड नहीं है। अच्छा काम नहीं किए? नहीं काम किए हैं। तो फिर वोट तो उनको मिला है ना? अरे तो वोट तो मिला है, बाकी देखिए वोट के बात होता है तो वोट तो मिला तब न जीते वो, जीतने के बाद कोई काम नहीं किया, कोई काम किए बहुत। हाँ जैसे हम लोग का देखिए मगध सम्राट सुरेंद्र यादव जी है, हम लोग के विधायक काम अच्छा करते हैं, गरीबों का अच्छा है, हम लोग का सब कुछ में मदद करते हैं। अच्छा सर्वजीत पासवान अगर जीतते हैं, मतलब वो भी बहुत सारा वादा किए, तो क्या लग रहा है कि वादा पूरा करेंगे कि वो भी जो बोल करके हवा में उड़ जाएंगे? सर्वजीत पासवान अगर जीत के दिल्ली में चला गया ना तो पता चलेगा कि एनडीए का क्या होता है हाल। ऐसा है? हाँ। यहाँ के लोग उनको बहुत पसंद कर रहे हैं। पसंद करते हैं। हम तो सर लालटेन छाप में देंगे, जैसे होगा वैसे देंगे। आप भी अब बोले मांझी जी को देंगे? फिर वही बात, कहाँ बोल दिया है कि मांझी जी के? नहीं बोले हैं? नहीं सर। अच्छा झूठा बनाते हैं? ना, 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 लगा लालटेन छाप को दीजिएगा, पार्टी बांटना या मांझी जी दीजिएगा लालटेन? हाँ 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 तैयो देंगे, तैयो दीजिएगा, गद्दारी कर दीजिएगा, गद्दारी करिए, गद्दारी करिए, फिर उनका पर्चा नहीं आएगा? आपको नहीं पसंद आया उनका पर्चा? किनका? मांझी जी का। मांझी जी हमारा गांव में कहाँ आए कि जो कि वो उधर उधर घूमते हैं? गया की जनता किसको जिताएगी? अब कौन जीतेगा से क्या कहे, अभी वोटे नहीं पड़ा था, हम किसको कहेंगे? आप किसको दीजिएगा? अभी हम नहीं कह सकते हैं, जब वहाँ वोट डालेंगे तब हमको। क्यों नहीं कह सकते? आप अपना गांव का विकास आप नहीं देख सकते? गांव के विकास हमारे गांव के सदस्य लोग जो कहेंगे, 10 कोई कि हाँ हम लोग एक मिल करके। आपको क्या लग रहा है, 10 गो का छोड़िए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि मांझी जी आपके लिए काम किए हैं कि नहीं, कि लालू जी आपके लिए काम किए कि नहीं? सब काम किए हैं, सब कोई कर रहे हैं, नेता लोग तो अदल बदल कर रहे थे, हम लोग अदल बदल नहीं कर सकते हैं। हाँ, कौन नेता अदल बदल किया है? जीताराम मांझी कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो हम लोग अदल बदल नहीं हो सकते हैं। सीखिएगा उन लोगों से, तो सीखेंगे नहीं। तो उनको तो सब पलटू राम बोलते हैं नीतीश जी को। तो पलटू चाचा है ये है था। तो पलटू चाचा को वोट जाएगा ना? जाएगा ना, दीजिएगा ना? हम माना कर रहे हैं कि नहीं जाएगा, जाएगा, दीजिएगा, लेकिन गरीब पर नहीं ध्यान देते हैं, वो बड़का बड़का आदमी के ध्यान देते हैं। मजदूरा हम लोग न है सर, मजदूरा आदमी के कोई ध्यान देने वाला है कोई नेता? सब अपने कभी इंग्लैंड में काम कर रहा है तो कभी वहाँ फैक्ट्री बना रहे हैं, बिहार में कोची किए हैं लोग, वो तो सब पे ध्यान देते हैं। और नीतीश कुमार हम लोग की क्या करें, फैक्ट्री बनवा देते तो हम लोग उसमें 10 गो मजदूरा नहीं कमाते। मोदी जी है ना, मोदी जी करेंगे सब, मोदी जी पे भरोसा है कि नहीं आपको? मोदी जी पर तो भरोसा है, ये इकाल लोग का हम लोग के बिल माए हो के फ्री में मिल रहा है आप लोग के चावल, कोई ऐसा नेता नहीं दिए थे तो हम लोग के फ्री में दिल अरबे सब खा जाता है। जा मिलता ही नहीं है? मिलता है कुछ, ऐसी झूठ सच करके हम लोग के बिल मार के रख ले है, और कुछ करता है? तो आप तो दे रहे हैं कि आप लोग को मिल रहा है, तो आप लोग के लिए मंदिर भी बना दिए हैं। तो मंदिर का वहाँ जा पाएंगे मंदिर में हम लोग? कहाँ नहीं जा पाइएगा? नहीं हम गुहार कर दिया कि सब कोई जनता जाएगा, ये ट्रेन छूट हो गया, वो ट्रेन छूट हो गया, जाते जाते सब कह के आप वहाँ तो इतने धान लिए है कि घुसपैंठी हिल गया था, आप लोग मराइए जाइएगा। हमने लालू यादव, लालू यादव को? हाँ। हाय चाचा, मतलब कुछ खासियत होगा, कुछ किए होंगे तब ना लालू जी को? हाँ। आप मोदी जी को भी बोलिएगा तो हम आपसे पूछेगा कि मोदी जी को कह दीजिएगा? नहीं आप लालू के लिए, लालू जी को कह दीजिएगा, मोदी जी को क्यों नहीं दीजिएगा? साहब तो उनके कारण है। किन के? लालू जी के। लालू जी के? मोदी जी नहीं किए कुछ? मोदी जी बड़ी कालता थी ना, कैसे कल थी? लालू जी? लालू जी कर रहा थी है। ज्यादा कौन किया? ज्यादा तो लालू जी कर रहा थी है। लालू जी किए, गरीब लोग के लिए किए है काम? हाँ। क्या ऐसा आपको कमी लगा कि लग रहा है कि नहीं आरजेडी को वोट देंगे?
हम लोग क्योंकि आप लोग देखिए कोई पार्टी से नहीं है, आप लोग जनता है, तो जनता क्यों आरजेडी के पास जा रही है? हम लोग इस चलते जा रहे हैं आरजेडी के पास कि एक तरफ मोदी जी हैं जो हम लोग का मेन संविधान है बाबा साहब का, भीमराव अंबेडकर का, उस संविधान को मोदी जी के तरफ से उधर से या हम लोग को आरक्षण मिलता है दलित लोग का, तो पार्लियामेंट में भी बोले हैं, बहुत वीडियो भी वायरल आप लोग भी देखे होंगे चल रहा है, ठीक है, कि संविधान को हम लोग के चेंज करना है, बदलना है, ठीक ना। तो हम लोग कैंडिडेट भी नहीं देख रहे हैं जो हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए बात करेगी, उसको साथ हम लोग जनता हैं, ठीक है ना। इस चलते हम लोग, तो मतलब आपको ये डर है कि अगर जहाँ बीजेपी सरकार जीतती है तो संविधान चेंज कर देगी? हाँ, संविधान चेंज कर देगी, संविधान चेंज कर देगी, तो हम लोग का हो सकता है कि जब भी वो नारा लग रहा है 400 के पार, हो सकता है दो तिहाई बहुमत आता है उसको मोदी जी को, तो हो सकता है कि वो तो स्वतंत्र होंगे अपना निर्णय लेने के लिए, तो अपना निर्णय जब लेंगे तो हो सकता है कि एक सिस्टम ला दें कि भाई जो मैट्रिक में 75% लाया है संशोधन कर दे संविधान में कि जो लाया है वही चुनाव लड़ सकता है, जो ग्रेजुएशन किया है वही वोट कर सकता है। तो हम लोग गरीब गुरुआ वोट से जो हमारा अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं वो वोट से हम लोग वंचित रह जाएंगे। संविधान की वजह से जो है आप लोग सुरक्षित है ना, सुरक्षित आप लोग को अपना हक मिल रहा है, अधिकार है उसी संविधान के माध्यम से। जब लालू जी हमारे ये दादा है हुए, ठीक ना, इन लोग सब बोलते थे कि लालू जी जब सरकार आई, लालू जी की सरकार आने से पहले लोग खटिया पर बैठते थे ना, तो अगर गाँव का गिरस आ गए तो उसको सीधे उठ जाना पड़ता था, उठ जाना पड़ता था कि गाँव आ गए गिरस आ गए तो मारे लगेंगे ना पीटे लगेंगे, ठीक है, या जबरदस्ती काम करने के लिए ले जाएंगे। जबरन खटिया लट के जाप रहा था, जबरन खटिया था, नहीं उठते थे तो क्या होता था, मरता था, कुछ मरता था जी। हाँ सर, कोई कुछ नहीं बोलता था? नहीं सर, हम लोग कमजोर थे, वो सबसे बात कर सकते हैं। आप लोग कमजोर थे मतलब कि ये लड़ाई किसके बीच थी, ऊंच नीच की लड़ाई थी क्या? हाँ भाई, ऊंच नीच के ना था, तो कुछ था, भुइया हमको सामने बैठेगा खटिया पर। पहले जो भुइया लोग था तो पहले जमींदारी में कपड़ा या जूता लिया, और ये भूमिहार का ये अगर गांव है तो वो जूता निकाल के बेचारा नुकौले चल रहा है, समझे, कि भाई जमींदारवा देख लेगा तो ऐसा नहीं कर दे, समझे। तो आज लोग लालूए यादव को देन है कि आज लोग गरीब गुरवा लौक बलौक धोती कुर्ता संभार के चल रहे हैं, समझे है? और क्या कहें, तो मोदी जी क्या किए हैं जब आप सब लालू जी को बोले हैं तो? मोदी जी क्या कह रहे हैं और ना कर रहे हैं, वो तो कहें कि गरीबों के खाता में 10 लाख रुपया चला जाएगा, सब जीरो बैलेंस पर खाता खुलवा लीजिए। कहाँ लालू मतलब कि मोदी जी भेज दिए गरीब गुरबा के खाता पर 10 लाख रुपया? अच्छा, भेजे नहीं गैस में तो 5 किलो चौर में तैया में उवा में मोदी जी फुसलोले रह गए, रुपया हुआ तो मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, तो विदेश जा रहे हैं, तो विदेश जाने से का गरीब गुरबा का समस्या दूर हो जाएगा? नहीं होगा। जो इज्जत मान सम्मान पूरा जो मिला है जो लालू जी के रीजन में मिला है, अलौक बलौक जो भी गरीब गुरबा जो देखा है जो लालू यादव को रीजन में देखा है, समझे, इन कि मोदी जी को रीजन में देखा है। आज जमींदार लोग खटिया पर उलट के सामने ऐसे जा रहा है, और गरीब लोग अगर खटिया पर बैठे हुए हैं उसका कहकर कुटुम है हो तो फलानमा के है, तो लाज शर्म नहीं लगता कि पार हो रहे हैं और मतलब कि हमारा सामने खटिया पर बैठेगा? बताइए, क्या गरीब गुरबा की इज्जत नहीं है? अभी अभी मैं अर्थ है कि मैंने कहीं भी है तो कहीं भी देखे तो लालू यादव है, कहीं बाजार में देखे तो लालू यादव है, कहीं देखिए तो लालू यादव है। हाँ, यही तो नतीजा में लालू यादव बेचारा हट चुके हैं। तो देखिए, आपने लोगों ने क्या कुछ कहा आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको क्या लग रहा है गया से कौन जीतने वाला है और कौन कितना काम किया। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे उल्टा चश्मा यूसी के साथ, मैं फरहत अफसा पटना।